था श्रीराम पाटिल। इस बस्ती के सामने मैंने तेरा पर्दाफाश नहीं किया क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा इस घर की इज्जत प्यारी है। लेकिन अब वक्त आ गया है माफी मांगने का। तो ये मत समझना कि इस घर में तुझे वही इज्जत मिलेगी तुझे कल आता है। मैं तो क्या, इस घर का कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा। क्योंकि वो हक तू अपने घिनौनी हरकतों से खो चुकी है। तुझे मेरे साथ दुश्मनी थी, मुझसे नफरत थी। अरे इन लोगों को सजा क्यों दी तूने? आई साहब, आज इस घर की अदालत की आप ही न्यायाधीश है। आप फैसला करें क्या किया जाए इस औरत का। क्या सजा दे एक बहन को? एक बेटी को, ऐसी बेटी जो इतनी खुदगर्ज हो गई कि अपने खुद की मां को कैद करके रखी। हमारे लिए तो इसके लिए एक ही सजा काफी है। आज से हमारा और उसका कोई रिश्ता नहीं। ये ना हमारी बेटी है, ना हम इसकी मां हैं। ये इंसाफ का नाटक मत कीजिए साहब। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि मैं कल भी दत्ता से नफरत करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तूने हम दोनों का भी इस्तेमाल किया अपने इस गंदे घिनौने खेल में, और तेरे इस नफरत के खेल में मेरी तो शादी भी बलि चढ़ गई। शादी की बलि? किस शादी की बात कर रही है तू? तेरा पति पैदाइशी कमीना था, समझी? और वैसे इस घर में अपनी अपनी शादी से खुश है कौन? सब झूठ का नकाब उड़े हैं। श्रीमती कला देवी किशोर पाटिल, शादी शब्द का अर्थ ही कहां मालूम है तुम्हें? और मालूम होता तो पति और बेटे के प्रति अपना फर्ज निभाती तो। तुम्हें तो अगर नागिन कहूं तो मैं नागिन का अपमान होगा, और तुम्हें जहरीला कहूं तो जहर की तौर। जहर की तौर। तुमने आज तक
कभी कोई रिश्ता निभाया ही नहीं। ताई, मुझे अपनी छोटी बहन तक का इस्तेमाल किया तुमने। जी। कितने कत्ल करा, कितने जुर्म, किस किस की सजा दे तुझे? मेरी डैडी का भी कत्ल किया तूने। नफरत है मुझे तुझसे। तेरे पिता ने मेरे पिता का कत्ल किया था, ये बात मत भूलना। और हम तो तेरे पिता की पत्नी थी ना, तेरी अपनी आई थी ना, हमें किस गुना की सजा दी तू निकला? भाई साहब, कला ने हमको तो फिर भी जिंदा रखा, लेकिन पाटिलवाड़ी में कितनी सारी अफवाहें फैलाई, यहाँ का माहौल गंदा किया, यहाँ के लोगों को पीठ पर वार करना सिखाया इस कला ने। मन तो करता है तुझे बस्ती वालों के सामने खड़ा करके तेरा पर्दाफाश कर। उन्हीं के सामने तुझे सजा दूं। लेकिन मजबूर हूं मैं, तेरा सर तो चुकेगा नहीं कला, लेकिन मेरी आई इज्जत से नहीं जी पाएगी। खून का रिश्ता भी नहीं है, तू तो बार वाला था, तुझे कौन माफ करेगा? तेरा बस एक ही अंजाम है सुदर्शन, गलत किया। आपके साथ, इस परिवार के साथ मैं बह गया था भाव, इस कला की वजह से बह गया था। मुझे भड़का है वो कि बाजी की जगह मेरे को गलत किया। मैं अपने इस परिवार को बहुत तड़ पाया, मेरे को प्रायश्चित करने का, प्रायश्चित करने का मेरे को। मेरे को माफ कर दो भाई साहब, ऐसा मेरे को माफ कर दो। कोई नहीं बोलो ना बाबू को, नीलू मैं तेरा गुनहगार रहे वाचा मेरे माला।
कर दूंगा। भाव आपने एक मौका तो दीजिए। नकुशा, ये वही औरत है जिसने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया। हमारे जिंदगी में जहर घोलने वाली ये औरत है। तुझे मुझसे अलग रखने के लिए कितनी चालें चली होंगी इसने। आई साहब, आप बताओ क्या सजा दूं मैं इस औरत को? कोई कुछ नहीं कह रहा कला, इसका मतलब है कि सब एक ही चीज चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कर लिए दत्ता, तुझे जो उचित लगे वो सजा दे दे। हम नहीं रोएंगे इसकी मौत पर।